डिस्क्लेमर, हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इस्लाम में इंसानियत है ऐसा मुल्ला मुफ्ती कहते फिरते हैं। सवाल ये उठता है, क्या वाकई इस्लाम में इंसानियत है? और अगर है तो इतनी ज्यादा आयतें कत्ल और कताल की क्यों है? इस्लाम में फिर इतने फिरके क्यों हैं? और ये सारे फिरके एक दूसरे के खिलाफ क्यों हैं? कुछ ऐसे ही सवाल जब इन लोगों से पूछ लो तो इन लोगों की नानी मर जाती है। ये लोग इतने मुनाफिक और बेशरम हैं जिसका कोई हद नहीं है। बेशर्मी का रिकॉर्ड तोड़ रखा है। जब ऐसे लोग एडम या साहिल के सामने पड़ते हैं तो आइए देखते हैं उनका क्या हाल होता है। अल्लाह मोहम्मद की नमाज क्यों पढ़ रहा है? सिंपल सा सवाल है, उसका जवाब दे दे। मेरा सिंपल सवाल है, आपने जो टाइटल रखा है वो तो तुम बात नहीं कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो। आपका टॉपिक है इस्लाम में इंसानियत है ना? ऐसा ही है ना जी? क्वेश्चन मार्क भी आ गया ना, वो आपने प्रूव करना कि है तो है या नहीं। ठीक है, इस पे बाद में बात होगी, पहले इंसानियत किसे कहते हैं ये बताओ। भाई इस्लाम इस इंसानियत उसे कहते हैं जिसमें तमाम लोगों के बेसिक राइट्स फराहम किए जाएं और उन पर किसी चीज की जबरदस्ती ना की जाए, इसे इंसानियत कहते हैं। आप कौन है जो बीच में बोल रहे हैं? आप कौन है जो बीच में बोल रहे हैं? जनाब आपको नहीं साहिल का तो मैंने आपसे सवाल किया भाईजान, आपने यहाँ पे सबसे सवाल किया। जब आप स्ट्रीम पे आते हैं तो सब बोलते हैं, या तो ये अब आप स्पेशली कमरे में बैठ के बात करें, खूबिया चैट करें ना। फिर आप भाईजान स्ट्रीम पे आए, अब आप सबसे पूछें। भाई मैं तुम्हारे चैनल पे आया ही नहीं हूँ ना, जिन लोगों चैनल पे आया उनसे बात कर रही हूँ। बीच में भाईजान आप स्ट्रीम पर आए, आप सोशल मीडिया पर है, इस वक्त यहाँ पर आपको 3K ऑडियंस सुन रही है, आपको हर किसी से जवाब मिलेगा आपके सवाल का। अरे अच्छा, भाई तो अभी एक मिनट मेरे प्यारे शहबाज भाई, आपने ये कहा कि इस्लाम में इंसानियत है ना? मैंने कहा, मैंने पूछा है कि इंसानियत किसे कहते हैं, पहले ये बताएंगे आप लोग। तो पहले ये तो बोलिए कि ये इस्लाम में इंसानियत है, ये मानते हो या नहीं मानते हो कि आपको इंसानियत पता ही नहीं है? तो फिर हम इंसानियत के डेफिनेशन पे आते हैं। एक मिनट, वो बाद में आ रहा है वो सवाल, पहले आपने रखा है इंसानियत पर। इंसानियत कह क्या इस्लाम में? सुनो मेरी बात, मैं खेलता हूँ इसके साथ थोड़ा सा। अच्छा खेलो, इंसानियत की डेफिनेशन आपको दिखाते हैं vocabulary.com से। ह्यूमैनिटी, इंसानियत को अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमैनिटी, ठीक है। लेट्स रीड द डेफिनेशन, ठीक है। ह्यूमैनिटी इज द ह्यूमन रेस व्हिच इंक्लूड्स एवरीवन ऑन अर्थ। It's also a word for the qualities that makes us human, such as ability to love and have compassion, be creative, and not be a robot or an alien. The word humanity is from a Latin word, humanitas, from human nature and kindness. Humanity includes all humans, but it can also refer to kind feeling humans offer have for each other. But when you talk about humanity, you could just be talking about people as whole. Then the people who do bad things, it tests your faith in humanity. When people ask for money to help feed starving children, they are appealing to your sense of humanity. जी सर, definition आपने पढ़ ली, समझ आया या translate करके बताऊँ? Translate करो. Okay, translate करते हैं। पहले ऊपर वाले part को translate करते हैं। Humanity जो word है, वो human race को represent करता है, यानी human race को define करता है कि ह्यूमन रेस के अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो उसके अंदर एक क्वालिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, जो हमें इंसान बनाते हैं, ह्यूमन बनाते हैं, सच एज ऐसी चीजें जैसे प्यार करना और किसी के लिए कंपैशनेट होना। कंपैशनेट होना यानी कि काइंड एंड कंपैशनेट होना, यानी कि रहमान और रहीम होना, काइंड एंड कंपैशनेट। एंड टू बी अ क्रिएटिव, और क्रिएटिव होना एक रोबोट ना होना। जी सर, समझ आई यहाँ तक? कोई सवाल मजीद? जी, मैं इस डेफिनेशन को क्यों मानूं, इसकी दलील दीजिए आप पहले। कोई बात नहीं, आप ना माने, ये एक इंग्लिश की वोकैबुलरी की डेफिनेशन है, आप किस डेफिनेशन को मानते हैं वो बता दें। आप, मैंने आपको एक डेफिनेशन दे दी, आप ना माने, आपका हक बनता है ना मानना, आप अपनी डेफिनेशन दे दें। वो मैं बाद में दूंगा, पहले आप लोगों से क्लियर होना चाहिए मुझे कि क्या। मैंने क्लियर किया, मैंने क्लियर किया कि आपकी नजर। हेलो, और क्या क्या हो सकता है? असल में पता क्या बात है, आप जिन डंगरों से बात करते हैं ना, वहां पे आप ये बात कर सकते हैं। मैंने आपको क्लियरली कह दिया है कि भाईजान अगर आप नहीं मानते तो बाय द फ्री विल ऑफ एनी ह्यूमन, मैं आपकी बात से एग्री कर लेता हूँ। अब मैं आपको कहता हूँ, आप मुझे ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन दे, देखते हैं कि मैं उसको मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ। अब आपको देना बनता है ना। मैंने आपको एक डेफिनेशन दी, आपने कहा मैं क्यों मानूं, मैंने कहा ओके ना मानूं। लेकिन मुझे, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी अब तक ये सर, मैंने आपको सुने पूरी, कोई मसला नहीं है, आपको समझ नहीं आई कोई मसला नहीं है। मैंने आपको एक डेफिनेशन दिया वोकैबुलरी की, vocabulary.com, जो कि इंग्लिश वोकैबुलरी की डिक्शनरी है, उससे
आपको पसंद नहीं आई, मैंने आपको कहा नहीं ये डेफिनेशन मानो, मैंने कहा है फोर्स किया आपको, नहीं किया ना, परफेक्ट। अब आपको मैंने कहा सर आप किस डेफिनेशन को मानते हैं, अब आपका हक है कि आप मुझे दिखाएं। ये लोग रटे रटा आर्गुमेंट स्क्रीन में लेकर आते हैं और सोचते हैं एक्स मुस्लिम को फंसा लेंगे। एक मिनट सर, वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं ये समझूं कि आप बताना चाह रहे हैं वो क्या है। मैं पूछ मैंने बता दिया अब तक सर, मैंने बताया और आपने कहा मैं इसको क्यों मानूं। मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ा, फिर मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया, आपने कहा इसको क्यों मानूं, मैंने कहा जी आपका हक बनता है ना मानना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे अपनी डेफिनेशन दें। वो मैं दूंगा, पहले आप मुझे अपनी डेफिनेशन क्लियर तो करें। मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूं डेफिनेशन में, मैं नहीं बताना चाह रहा हूं। अच्छा क्या चीज इसमें नहीं समझ आया आपको? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, वापस पूरा समझाइए। आप अपने एतबार से अपने अल्फाज में खुल के बताइए। अपने अल्फाज नहीं होते, हम यहाँ पे तफसीर नहीं करने बैठे। मैंने आपको पढ़ के बताया, फिर मैंने आपको ट्रांसलेशन कर दी, फिर आप मुझे इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आप एक मदरसा छाप जाहिल हैं जिसको अंब का पता नहीं। अंग्रेजी आपको नहीं आती, हिंदी आपको नहीं आती, मैं आपको समझा कैसे सकता हूँ? नहीं, मैं ये तो जानना चाह रहा हूँ ऐसा करें, जो मैंने बोला है, जो मैंने बोला है उसी को रिपीट कर दें पहले। चले लेट्स सी कि आप उसे रिपीट भी कर सकते हैं। मुझे जो मैंने अभी ट्रांसलेशन किया उसको रिपीट कर दें। दो तरीके होते यार, मैं इसका ट्रांसलेशन क्यों करूंगा? ना करो, अपना दे दो। अपना क्यों दूंगा? पहले आपका क्लियर होना चाहिए मुझे, फिर आपका क्लियर होना चाहिए मुझे। एक सेकंड यार, देखो कितने स्टूपिड तुम्हारा रिस्पॉन्स है। थिंक अबाउट इट फॉर लाइक, एक छोटे से बच्चे के दिमाग को भी ये चीज बड़ी इजीली मिल सकती है। प्रॉब्लम ये है, तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसे आंसर। मैं तो बताता हूँ, तुम्हारा जो स्क्रिप्ट है ना, जो स्क्रिप्ट तुम तैयार करके लेके आए हो, जो आर्टिकल तुम्हारे सामने खुला है, उस आर्टिकल में, उस स्क्रिप्ट में ये वाला आंसर नहीं था। दैट वॉज द प्रॉब्लम। और मैं तुम्हें हमेशा बात बताता हूँ कि तुम लोग जिस एंगल से आते हो ना, मैं उस एंगल का बाप हूँ, क्योंकि वो एंगल मैं पढ़ चुका हूँ, मैं तुम्हारी जगह पे बैठ चुका हूँ, मैं बहुत देर तक तुम्हारी जगह बैठा था। सो डोंट टीच द टीचर, ओके? मैंने तुम्हें बता दिया कि ये डेफिनेशन है, मैं सामने स्क्रीन पे खड़ी कर दी है। तुमने कहा कि मैं इसको क्यों मानूं? तुम्हारा ख्याल था कि मैं हुज्जत दूंगा, तुम्हारा ख्याल था मैं तुम्हें हुज्जत दूंगा, मैंने हुज्जत नहीं दी। मैंने तुम्हें कहा है अब तुम मुझे अपनी डेफिनेशन दे दो, तुम मुझे अपनी डेफिनेशन दे दो। एक मिनट, इसे खोल करके समझा दो। मैंने खोल करके समझा दिए, मतलब तुम्हें समझ क्या बात है? खोल के कहने का मकसद ये है कि जितना आप इसकी वजाहत कर सकते हो उतनी कर दो, ताकि मैं इसको अच्छी तरह समझ लूं आपकी बात। नहीं नहीं, मैंने समझ, देखो समझाता मैं तब अगर आपका पहला सेंटेंस ये होता कि भाई मुझे समझ नहीं आया। आपने मुझे जवाब दिया है मैं इसको क्यों मानूं, मैंने आपको कहा मानो नहीं। अब मैं जितना भी समझाऊं, सुने, अब मैं जितना भी समझाऊंगा, पॉज करें, अब मैं जितना भी आपको समझाऊंगा, जब आपने पहले से कह दिया कि आपने मानना ही क्यों है, तो भाई मैंने कहा फिर मिसी डेफिनेशन को इग्नोर कर दो, इसको खड्डे में डाल दो, डस्टबिन में डाल दो, आग में डाल दो, टॉयलेट में डाल दो। अब अपनी डेफिनेशन दो, क्योंकि तुमने कहा मैं मानूं क्यों। मैंने ये कहा था ना कि मैं मानूं क्यों, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, उनमें से एक मतलब इस पे कोई मतलब नहीं समझ नहीं है। अब साले बात सुनो, ये कुरान नहीं चल रहा, ठीक है, ये हदीस नहीं चल रही, ठीक है, कि इसकी ये भी मतलब हो सकता है और ये भी मतलब हो सकता है, ठीक है। तुमने मेरे साथ बात करते हुए तुमने कहा है मैं सुन नहीं वो मैं बताऊंगा, आई डोंट फकिंग केयर कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है भाई। व्हाट आई केयर इज कि आपने जब कह दिया ना मैं इसको क्यों मानूं, तो वो वाले सेंटेंस पे हुज्जत ही खत्म हो गई कि भाई तुम्हें मेरी डेफिनेशन चाहिए नहीं, नाउ तुमने डेफिनेशन देनी है। तो नहीं हुई खत्म, मैंने कहा मैं क्यों मानूं क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। अब अपनी डेफिनेशन दो, क्योंकि तुमने कहा मैं इसे क्यों मानूं, फॉरगेट दैट। नाउ अब आप मुझे बताओ कि आपकी डेफिनेशन क्या है, गिव मी योर डेफिनेशन। मैंने जो कहा था कि मैं क्यों मानूं क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। मैं 10 तक गिनूंगा, अगर आप अपनी डेफिनेशन अब नहीं देंगे तो हम आपसे बात करना बंद कर देंगे। मैं 10 तक गिन रहा हूं अपनी डेफिनेशन देना शुरू करें। एक, आपको नहीं पता इंसानियत है क्या, तीन, मैंने दिखा दिया इंसानियत क्या है, 3000 लोगों ने भी देख ली है, 4, आपकी हकीकत है कि आपको नहीं, 6 और मैं आपकी स्क्रीन पे लात मार रहा हूं, 9 भाग गया साला। ये लोग पूरी तरह जाहिल होते हैं, जो मुल्ला और मौलवी इनको सिखा देते हैं बस उन्हीं को सच मान लेते हैं। अबे तुम लोग आके आर्टिकल पढ़ के मेरे साथ डिबेट करोगे और मैं तुम्हारे आर्टिकल को चलने दूंगा? डोंट बी अ फूल, डू नॉट बी अ फूल। मैं तुम्हारी डेफिनेशन मानू क्यों? गिव योर ओन डेफिनेशन यू फूलिश इडियट्स। तुम्हारे आर्टिकल, जिन आर्टिकल से तुम हुज्जत बना के आते हो, वो आर्टिकल मैं पढ़ चुका हूं। साहिल साहब मजा आया
इस डिस्कशन का. ओके साहिल, मेरे ख्याल में आगे पीछे हो गए. हाँ आगे देखते कौन है. इसकी जलेबी सुनते सुनते दो रोटी में खा लिया. अरे असल में तुमने सही कहा, ये बंदा जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. और ये बंदा लास्ट टाइम आया था, इसकी जो मैंने किया था अल्लाह का है मौजू पे, इतनी इसकी बैंड बजाई थी लास्ट टाइम मैंने, ये भाग गया था तभी भी. इसको सिर्फ एक सवाल किया था मैंने कि इस, ये मेरे से सवाल करने आया था कि तुमने ओम हूं अकबर किस ताल्लुक से, मतलब कैसे तुमने कहा. तो मैंने कहा या तो मदनी को बोल के मदनी गलत है तो मैं भी गलत, मेरी अजान भी गलत, अगर मदनी सही तो मैं भी सही. तो ये उसमें ओम में अल्लाह की सिफत ढूंढ रहा था, तो कहा कि अल्लाह जो मदनी ने मिसाल दी कि हवा की तरह है हर जगह है, तो मैंने इससे सवाल किया था कि क्या अल्लाह हर जगह है. उस पे ये बंदे की जो बैंड रही है, बोलता अल्लाह है. मैं बोला हर जगह है, बहुत कुत्ता बनाया मैंने. अल्लाह, अच्छा अल्लाह तेरे साथ है? नहीं अल्लाह मौजूद है. तेरे साथ मौजूद है क्या? नहीं वो जवाब नहीं दूंगा मैं. सोचूं इनकी ये हाल होती है. ये फिर आ गया इससे एक लास्ट बार दोबारा लेता हूं मैं. हाँ शहबाज भाई, डेफिनेशन ले ले इससे जरा भाई. ह्यूमैनिटी क्या आपके नजदीक कोई इंसानियत की डेफिनेशन है? नहीं है, सिर्फ इतना बता दो. आप जो मैंने सवाल किया है उसका जवाब दे सकते हैं या नहीं, इतना बताइए. अच्छा चलो मैं एडम, अभी मैं अपने तरीके से चलता हूं इनके साथ. ओके थोड़ा देर देखते हैं. हाँ उस तरीके से. अच्छा शहबाज भाई, मेरे नजर में इंसानियत, एक एक पॉइंट पे चलेंगे, आप कहना कि कहां आप अग्री करते हैं कहां आप डिसएग्री करते हैं. ठीक है, मेरी नजर में बाय द वे वो यही चाहता है कि आप ये स्टेटमेंट शुरू करो, उसका आर्टिकल यही. हां चलेगा, चलेगा. आई एम ओके, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मेरे से डिसएग्री करेंगे तो इनको कहना है कि मैं इससे डिसएग्री करता हूं, ये मेरे नजदीक इंसानियत नहीं है. ठीक है, या इंसानियत की डेफिनेशन में नहीं आता. मेरे नजदीक आप किसी को भी किसी कौम पर या किधर भी जाके आप हमला करते हो और वहां की औरतों को आप स्लेव्स बनाते हो और उनके साथ सेक्स करते हो और उनके बेचते हो, मेरे नजदीक ये इंसानियत के खिलाफ है. क्या आप मुझसे अग्री करते हैं? आपकी इंसानियत के डेफिनेशन में ये इंसानियत के मुताबिक है या इंसानियत के खिलाफ है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है. इतने आसानी से सकते तुम लोग भाई, इतने आसानी से नहीं बच सकते. आप क्या सोच रहे हो, ये हवा में हवा में. अच्छा मुझे नहीं पता कि तुम ना मेरे नजदीक, मेरा ख्याल था कि तुम. अबे यार मैं तुम्हारे नबी का भी बाप हूँ यार, सारी दुनिया को पता है. अलवर से मुझे ये नहीं पता था कि तू बीच में लेके आएगा. मेरा ख्याल था तू दूसरे तरीके से अपने नजदीक की डेफिनेशन दे रहा है. तो मैं भी समझ रहा, तूने पत्ता दूसरा खेल दिया, तूने दिखाया सज्जा और मारा खब्बा. इनको नहीं मालूम है कि ये जो है ना, इनके ये शहबाज जो है ना, असल में ये पक्का जो मुनाजिर लोग जो रहते हैं ना, देवबंदी वाले, तकलीद की डेफिनेशन क्या है परे डेफिनेशन बताओ, तो वो दो घंटा मौलवी आपस में ऐसी लड़ रहा है, डेफिनेशन पे मामला सेट ही नहीं हो रहा दोनों के बीच. उसके बाद दोनों झगड़ा करके गाली वाली देके फिर वो खत्म हो जा रहा. कई सारे मुनाजरे हमने देखे हैं भाई, मुनाजरे देखे हैं हमने, मुनाजरों से सीखा है कि मुनाजरा करते कैसा है. इन लोगों की हर एक चालबाजी खुलकर लोगों के सामने आ रही है. तो ये सब चाल है ना, हम बहुत पहले से देखे सीखे हुए. भाई तुम हमारे सामने आके खेलने की कोशिश करोगे तो हम तुमको खेलने नहीं देंगे. साफ साफ इसका मतलब ये होता है कि एक मुसलमान लाचार हो चुका है इस्लाम को डिफेंड करने में. अरे भाई तू बोल देना कि हाँ मैं इसको इंसानियत के मुताबिक मानता हूं, तुम्हारी इंसानियत की डेफिनेशन जो है वो गलत है. इंसानियत की जो डेफिनेशन है दैट यू नो दैट कैन वेरी एक्चुअली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सी ओनली वे एडम, मेरी इंसानियत की डेफिनेशन, तुम्हारी इंसानियत की डेफिनेशन, इट्स वेरी पॉसिबल कि हम लोग की डेफिनेशन बहुत सारी चीज में मैच नहीं हो. सी द ओनली वे टू नो कि कहां हम लोग डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं, तो मैं तुमको बताऊंगा कि ये इसको मैं इंसानियत के मुताबिक, मैं रेप करने को इंसानियत के मुताबिक मानता हूँ. एडम तुम मानते हो नहीं मानते हो? एब्सोल्युटली नो. बल्कि मैं तो जो रेप की सजा है वो हर किस्म की सजा से डिफरेंट मांगता हूँ. मैं कहता हूँ रेपिस्ट का कार दो.
तो अब तुम्हारा और मेरा डिसएग्रीमेंट हो गया, अब मैं बताऊंगा कि क्यों मेरे नजदीक वो है और तुम्हारे नजदीक क्यों है, देन इट हैज टू बी लेफ्ट ऑन पीपल, क्योंकि कोई फैसला करने वाला नहीं है। सो अब हम लोगों पे छोड़ देंगे कि ठीक है आपकी इंसानियत उनके नजदीक एक्सेप्टेबल है या मेरी इंसानियत या एडम की इंसानियत इस मामले में, बिकॉज वी आर डिसएग्रीइंग। जहां पे हम अग्री कर रहे हैं वहां तो फिर डिबेट ही नहीं होती है। परफेक्ट। तो ये शहबाज पागल को इतना भी नहीं पता है कि भाई सॉरी कि भाई या तो अग्री कर या तो डिसएग्री कर। अब तुमने वहां से दिखाया तो वो बोलता है कि इसका मतलब समझाओ, इसका ये समझाओ, मतलब समझा दिया तो बोलता है मैं इसकी डेफिनेशन को क्यों मानूं। तो मैंने कहा अपनी दे दो, तेरी डेफिनेशन दे, वो भी नहीं दे रहा मतलब इनको मालूम ही नहीं है इंसानियत क्या चीज है। ये असल में ये एक्चुअली ये इस्लाम को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग अगर अपनी माँ के साथ सेक्स नहीं करते वो बस इस वजह से नहीं करते क्योंकि इनकी शरीयत ने उनको मना किया है, क्योंकि कुरान कहता है, क्योंकि कुरान कहता है कि नहीं करो, चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 22-23, क्योंकि कुरान कहता है। ये अपनी बीवियों की माँ से भी इसलिए नहीं करते क्योंकि कुरान कहता है, नहीं तो उसको बीवियों की माँ पसंद आ जाए उसको भी रख ले, चार तो कर सकते हैं वो। हाँ, इनका दिमाग नहीं चलता है। ये टट्टी इसके लिए नहीं खाते है क्योंकि इनका इस्लाम उसको गंदगी कहता है, वरना ये टट्टी खा लेते क्योंकि इनके नजदीक इंसानियत वही है जो कुरान से आए, जो रसूलुल्लाह से आए। भाई जन बात हुई है ना कि दिमाग इस्तेमाल करना ही नहीं है। एग्जैक्टली, इसी वजह से तो नहीं बोल रहा है ना। क्यों? क्योंकि जैसे इंसानियत की बात अगर वो खुद का दे देगा दैट मींस कि उसका दिमाग चलता है, फिर वो देखेगा रसूलुल्लाह की बात जो है वो वाकई में इंसानियत के मुताबिक है क्या नहीं है, फिर मुर्तद हो जाएगा। तो उतने में क्यों जाने का है, जितना बताया उतना करने का। इस्लाम में वैसे भी अक्ल का कोई दखल नहीं होता है। इसको मैं फिर से पूछ लेता हूं। साहिल, इसके अलावा ना नीचे कुछ मुसलमान शायद बैठे हों। ओके, तो ये लोग खत्म हो गया सब कुछ, बेड़ा गर्क हो गया क्या सारे एक्स मुस्लिम्स का? नहीं है जवाब आपके पास? चलिए आजाद साहब आपको जवाब देंगे। आपको एक्स मुस्लिम्स को सभी व्यूअर्स जान लें, एक्स मुस्लिम्स को नहीं मालूम कि इंसानियत की डेफिनेशन क्या है। घुमाते हैं ये, यही इनकी चाल है, समझो आप लोग इस बात को। शहबाज, मैं आजाद को थोड़ा नीचे ले रहा हूँ, आजाद भाई को। अच्छा, हमको नहीं मालूम है क्या है शहबाज भाई डेफिनेशन, तो आपने स्ट्रीम क्यों रखा अभी तुमसे सीख रहे? अरे यार ये क्या बात हो गई, अब मैं मान लिया कि मेरे को नहीं मालूम है, मेरी जो इंसानियत की डेफिनेशन है आपके हिसाब से वो गलत है, हमको नहीं मालूम है, चलो मैं मान लेता हूँ। शहबाज, अब ये बताओ कि क्या है इंसानियत की डेफिनेशन, ताकि हम भी सीखे आपसे। बोलो, आपने आप दे चुके हैं, आपको मालूम है जो आप दे चुके हैं ना उसकी वजाहत करेंगे अभी पहले। वो गलत है ना? अरे वो अच्छा, मैं जो डेफिनेशन दे चुका हूँ उसको आप मान रहे हो या नहीं मान रहे हो? कौन सी डेफिनेशन दी आपने अभी? आपने ये किस बुनियाद पे कहा कि मुर्तदों के पास इंसानियत की डेफिनेशन नहीं है? ये आपने क्लेम हम पे लगा दिया कि दोस्तों 4000 लोग जो सुन रहे हैं, सुनो शहबाज, हमको हर एंगल से खेलने आता है। सुनो, अभी तुमने यहाँ पे 4200 लोग देख रहे हैं, आपने कहा भाइयों सुन लो, इन एक्स मुस्लिमों के पास, इन मुर्तदों के पास इंसानियत की डेफिनेशन भी नहीं है, ये तुमको पागल बेवकूफ बना रहे, अभी तुमने ये दावा किया। चलो मैं एडम का छोड़ दो, मैं थोड़े देर के लिए मान लेता हूं कि मुझे जो मैं समझ रहा था इंसानियत की डेफिनेशन वो गलत है या मुझे पता ही नहीं है इंसानियत क्या है। अब तुम बताओ शहबाज कि तुम्हारे नजदीक इंसानियत किसे कहते हैं? अभी आपने मुझे गलत साबित करने की, अब आपने खुद जो है उसको कहा कि मैं नहीं मानता, अब हमें नहीं पता जो है एक्स मुस्लिम्स को नहीं पता ये क्या? आप बताओ कि अभी आपने दलील दी थी, एक मिनट, अभी आपने दलील दी थी उसको डिफाइन करना पड़ेगा। अब आपको जो दलील दे दिया, अरे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मेरी वो गलत समझ थी। एक मिनट, आप दलील दे चुके हैं, अब नहीं हो सकता कि मुझे नहीं पता, पीछे नहीं हट सकते आप, नहीं बात दलील गलत थी, मैं उसको रिटर्न ले रहा हूँ। ये तो पलटी है, गलत थी। हाँ, ये तो पलटी है। हाँ ना, मार लिया ना पलटी भाई, क्यों नहीं मार सकते? मार लिया पलटी, ऐसे नहीं मार सकते पलटी, ये तो दो नंबर ही ना। फिर आप बोलोगे साहिल तू पलटी भी नहीं मार सकता, अपनी बात वापस भी नहीं ले सकता। साहिल तू नहीं ले सकता बात वापस, ये तू पलटी भी नहीं मार सकते। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार रात तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बच्चे अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।